तो दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों स्टेट रिजल्ट से कुछ अपडेट आप लोग को हम देना चाहते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपको ये है दोस्तों, स्टेट रिजल्ट से लेकर के, कि आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा स्टेट के रिजल्ट के लिए। जी हाँ, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा स्टेट के रिजल्ट के लिए। कम से कम आपको 7 से 8 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, ठीक है? 7 से 8 दिन रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आज खुद जा कर के अप्लीकेशन दिए हैं, सभी विषय पे आपत्ति किए हैं, ठीक है ना, कि सबका क्वेश्चन जो आंसर की है सबको वापस लिया जाए, रिफ्रेश आंसर की जारी किया जाए, ठीक है? उसके बाद सहमति से फिर रिजल्ट जारी किया जाए। हम लोग एक लड़के नहीं, हम लोग 20 लड़के गए हैं, 20 लड़के जा कर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, ठीक है, स्टेट में आपत्ति किए हैं जा कर के, कि आपको रिजल्ट देने से पहले आप आंसर की को सुधार करके आंसर की जारी कीजिए छात्रों के बीच में, उससे सहमत होंगे, उसमें अगर कोई आपत्ति नहीं होगी तब फिर आप रिजल्ट जारी कीजिए। तो बोला तो गया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया है कि फिर से आंसर की आएगा। तो जब फिर से आंसर की आएगा तो फिर इतना जल्दी तो रिजल्ट ऐसा होगा कि नहीं कि आज आंसर किया जाएगा कल होगा? एक हो सकता है, और एक चीज़ बोला भी गया है वहाँ से कि आंसर की एक ही बार सबका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर है आपको 1 दिन या 2 दिन में आपत्ति मांगा जाएगा, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ऐसा हम लोग को बोला गया है, ठीक है, और जो बोला गया हम आपको बता दिए। तो आप लोग के लिए कड़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको हर अपडेट देते हैं। सीटेट जुलाई से ही अपडेट था, सीटेट जुलाई के लिए कोर्ट हुआ, केस किए, केस में हम लोग जीते भी, ठीक है, मौका आप लोग को दिलवाए, और सीटेट दिसंबर वाले को भी मौका दिलवाएंगे। याद रखिए आप लोग सिर्फ बने रहें, हमसे जुड़े रहें, ठीक है, जहाँ तक होता है हम आप लोग के लिए करते रहेंगे कि आपका कुछ भला हो जाए जीवन में, ठीक है। तो हम लोग यही रिस्पॉन्स दिया गया है, हम लोग अप्लीकेशन दिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जाकर के, तो वही बोला गया है कि फिर से सब आंसर की को फिर से जारी किया जाएगा, उसके बाद फिर आपत्ति लिया जाएगा, उसके बाद फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस करने में 4 से 5 दिन लगेंगे, तो आपको अक्टूबर के पहला सप्ताह तक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यही लेटेस्ट अपडेट है, हम आपको रिजल्ट अपडेट दे दिए। आई होप आप, हम जानते हैं कि फालतू बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, समझ गए होंगे पूरी बातों को। चलिए, धन्यवाद।